रमज़ान मुबारक के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब। क़िबला माह रमज़ान मुबारक के हवाले से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में क्या इरशादात आए और अल्लाह ने क्या शायान शान इसका जिक्र किया, कैसा इसको महबूब महीना फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिही व सहाबी बारक वसल्लम। सुभान अल्लाह, रमज़ान और कुरान। रमज़ान तो है ही माह कुरान, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद के नजूल का महीना भी है। शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान नाजिल फरमाया गया। माह नजूल कुरान भी है, माह सब्र भी है, शहर मुआसात भी है, हमदर्दी का महीना, गम खारी का महीना भी है, और ये वो महीना रोज़े का महीना, माह सयाम। और रोज़ा वो कि जिसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में बाकायदा बयान फरमाया गया कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों, वजह क्या इरशाद फरमाई? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। ऐसे लअल्ला का माना तो शायद होता है, लेकिन ये शरीयत का कायदा और ज़ाबिता है कि जब अल्लाह के कलाम में लअल्ला इस्तेमाल हो तो वहाँ पर यकीन मुराद होता है। वहाँ हाँ, वहाँ शायद का माना नहीं है, फिर शायद का माना नहीं होता, वहाँ पर हेप्स का माना नहीं होता, वहाँ प्रोबेबली भी नहीं, वहाँ जो है वो कन्फर्म एब्सोल्यूट बात होती है, वो हतमी यकीनी बात होती है, तो वहाँ यकीन का माना करते हैं। तो इसीलिए वैसे किसी और के कलाम में ये बात होती तो यहाँ शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता तर्जमे में, लेकिन चूंकि रब का कलाम है और रब के कलाम के अंदर ये यकीन के माना में है, तो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर लो, यानी माह रमज़ान तकवा परहेजगारी इख्तियार करवाने के लिए आता है। माह रमज़ान और इसके अंदर रोज़ों की बुनियादी हिकमत ये इरशाद फरमाई जा रही है कि बंदा रोज़े रखे ताकि परहेजगार हो जाए। तकवा, और तकवा क्या है, तकवा का माना क्या होता है? बचना। बचना किस चीज से? बचना किस चीज से? बचना कुफर और शिर्क से, बचना मुहर्रमात से, बचना, फिर उसके बाद अगला दर्जा है शुबहात से बचना, और फिर अखस्सुल खवास का तकवा है। तकवा हर एक के लिए हस्बे मर्तबा है ना, तकवे का हुक्म तो हर एक के लिए, लेकिन हस्बे मर्तबा दर्जा बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हो जाते हैं, लेकिन सबके उसके हिसाब से बढ़ते जाएंगे दर्जा। वो बताएं फोर्थ कैटेगरी जो आखिरी है, अखस्सुल खवास का दर्जा जो है कि गैर अल्लाह के ख्याल से बचना। हाय हाय हाय, गैर अल्लाह के ख्याल से बचना, ये है अंबिया। बिल्कुल, ये अंबिया मुसलम का तकवा है, ये मुकर्रबीन का तकवा है, जो अल्लाह के खास मुकर्रब बंदे हैं उनका तकवा है, गैरुल्लाह के ख्याल से बचना। अच्छा, यहाँ गैरुल्लाह के ख्याल का मतलब ये नहीं है, कोई ये ना समझे कि गैरुल्लाह के ख्याल यानी बंदा बीवी बच्चों का ख्याल ही ना करे। सही बात है, बिल्कुल ऐसा। जो अपने हकूक है यानी हकूक वाले बात जो है बंदा वो तर्क कर दे, ये मकसद नहीं। गैरुल्लाह के ख्याल से बचने का मतलब ये है कि बंदा जो काम करे अल्लाह की रजा के लिए करे, बंदा जो सोचे अल्लाह की रजा के लिए सोचे, यानी गैरुल्लाह का ख्याल भी आए तो अल्लाह के वास्ते से आए, अल्लाह के लिए आए। ये तकवा जो है, ये हकीकी तकवा, तकवे का जो अखस्सुल खवास का दर्जा है, जो तकवे की निहायत है, जो आखिरी मर्तबा है, आखिरी माना यानी आला, सबसे आला, वैसे तो पहला ही है, यानी सबसे आला मर्तबा जो खसुल खवास के लिए वो ये है कि बंदा ख्याल करे तो अल्लाह ही का ख्याल करे, गैर अल्लाह का ख्याल आए तो अल्लाह के वास्ते से आए, अल्लाह की रजा के लिए आए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आए, अल्लाह के अहकाम पूरे करने के लिए आए। ये तकवा तो माह रमज़ान जो है ये तकवा इख्तियार करवाने के लिए आता है कि बंदा तकवा इख्तियार करे, और फिर इस रमज़ान और तकवा दोनों का तसव्वुर अधूरा है अगर कुरान का जिक्र ना आए। ये माह रमज़ान, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद नाज़िल होने का महीना है, तो ये तिलावत कुरान का महीना है, और तिलावत कुरान ही का महीना नहीं है फकत, बल्कि कुरान की तिलावत के साथ साथ कुरान पे तफक्कुर और तदब्बुर का महीना है, और फिर सिर्फ तफक्कुर नहीं, कुरान पे अमल करने, और फिर सिर्फ अमल नहीं करना बल्कि आगे इसकी तबलीग करना, जो आपने कुरान से समझा है इसको दूसरों तक पहुंचाना, यानी ये मैंने शॉर्टकट में कुरान मजीद के हकूक भी बयान कर दिए। एक कुरान मजीद के हकूक है हर बंदा है मोमिन पर कि तिलावत भी करनी है, तिलावत के बाद तफक्कुर तदब्बुर भी करना है, फिर उसके बाद उस पर अमल भी करना है, फिर आगे दूसरों तक पहुंचाना भी है कि हर मुसलमान मुबल्लिग है, हर मुसलमान दाई है। और ये कुरान की तिलावत को बिल्कुल हल्का नहीं समझना चाहिए। हमारे असलाफ तो इस रमज़ान में कुरान के कितने ख़त्म किया करते थे, इमाम आदम हनीफा रहिमुल्लाह, इमाम शाफी रहिमुल्लाह, दोनों के बारे में ये बात मौजूद है
कि 60-60 मरतबा जो है कुरान मजीद फुरकान हमीद खत्म किया करते थे माह रमजान के अंदर, और कई असलाब बुजुर्गान दीन के वाकई हैं। तो तिलावत कसरत से भी करनी है लेकिन साथ साथ तफक्कुर और तदब्बुर भी करना है। तो तमाम नाज़रीन को यह कहूंगा तिलावत को भी मामूल बनाए, तिलावत के साथ साथ कम अज कम एक पारा पूरा नहीं पढ़ सकते तो आधा पारा, आधा पारा नहीं तो एक रुकू नहीं तो तीन आयतें, तीन आयतें नहीं तो एक आयत, ये मामूल बनाए कि उस एक आयत का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। वैसे तो पढ़ना ही पढ़ना है, तिलावत के अलावा यानी तफक्कुर और तदब्बुर के लिए समझने के लिए ज़ाब्ते हयात है ना, तो तर्जमा और तफसीर भी जरूर पढ़ें। अगर इस रमजान में तर्जमा और तफसीर नहीं पढ़ेंगे, रमजान में कुरान नहीं पढ़ेंगे और रमजान में कुरान नहीं समझेंगे तो कब कुरान पढ़ेंगे और कब कुरान समझेंगे? तो कुरान का महीना है, कुरान के महीने में तो कुरान को और समझा जाए। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकअल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नाज़रीन अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए। अल्लाह।